हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक ऐसी नेचुरल चीज जो आपके बालों का झड़ना कम कर सकती है और नए बालों का के आपकी हेयर ग्रोथ को डबल कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल हेयर ऑयल बना के दिखाऊंगी जो आपके बालों से रिलेटेड A to Z प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, यानी कि जड़ से खत्म कर देगा। इसको मैं केवल नेचुरल चीजों से बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और गंजापन दिखने लगा है तो ये आपके नए बाल उगाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी और आपके बालों का झड़ना कम कर देगी। सफेद बाल काले होने लगेंगे, बालों से रूसी दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल नेचुरल और अजमाई हुई रेमेडी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये केवल दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। इस ऑयल को आप बड़ी आसानी से घर पर रेडी कर सकते हो बहुत ही कम समय में और उसका यूज भी कर सकते हो। इससे आपके बाल बहुत ही शाइनी और हेल्दी बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है हरा धनिया, यानी कि कोरिएंडर लीव्स। हरा धनिया हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आयरन होते हैं, फाइबर होता है, जो कि हमारे बालों को एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, हरा धनिया हमारे बालों के लिए इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आपके गंजेपन को भी दूर करके नए बाल उगाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये स्कैल्प पर होने वाले इन्फेक्शन को भी दूर करता है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना क्या है कि इसके जो पत्तों को निकाल लेना है और उनको अच्छे से वॉश कर लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में आपको किसी मिक्सी की हेल्प से इसको अच्छे से पीस लेना है ताकि हम इस हरे धनिए का जूस निकाल सकें। फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको पीस सकते हैं। जैसे आप धनिए की चटनी बनाते हैं इसी तरीके से आपको इसको पीस लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ये पीस लिया है। अब इसको किसी बाउल में आपको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने स्टेन कर लिया है। ये जूस बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बिल्कुल नेचुरल है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का हमारा हरा धनिया का रस निकलकर रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं 5 to 6 स्पून के आसपास आपका ये बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको कम बनाना है तो आप इसकी मात्रा को कम भी रख सकते हैं। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग इसे कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में आपको जो ऐड करना है वो है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और हमारे बालों को मोटा, घना, लंबा बनाता है, साथ ही हमारे बालों को मजबूत भी करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 चम्मच नारियल का तेल ऐड करना है इस तरीके से। अब इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। या आपको किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी जनरल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ये हमारे बालों के स्कैल्प को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के नए बाल उगाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। यह आपके बालों का झड़ना कम करके नए बाल उगाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल इसमें ऐड करना है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं और एक हमारा मैजिकल हेयर ऑयल बनके, यानी कि एक नेचुरल हेयर ऑयल बनके तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये हमारा एक एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको ये ऑयल किसी कॉटन बॉल की हेल्प से अपने बालों पर लगाना है। इसको अपने बालों की जड़ों पर, यानी कि स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेना है। इसको मसाज करते हुए अपने पूरे बालों पर और स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेना है। फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से लग जाए तो इसको 1 घंटे तक बालों पर ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है और 1 घंटे के बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आप अगर चाहें तो किसी हर्बल शैम्पू की हेल्प से भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं।
बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को वीक में 2 बार जरूर अप्लाई करें। पहले वीक के यूज से ही आपको अपने बालों में फर्क देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर भी आपका गंजापन है वहाँ पर आपके नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, साथ ही आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, आपके बाल लंबे घने और काले हो जाएंगे, साथ ही आपके बाल सिल्की और शाइनिंग भी हो जाएंगे। सचमुच फ्रेंड्स, आप इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप इसको यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें। क्योंकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही नेचुरल रेमेडी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही नेचुरल और घरेलू रेमेडीज लाती रहूंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।